हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। आपको लगता नहीं कि आपके मोबाइल की जो एप्लीकेशन ओपन होने की स्पीड और क्लोज होने की स्पीड या एनिमेशन स्पीड थोड़ी सी डाउन हो गई है, और यदि आप उसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपके मोबाइल का जो परफॉर्म करने का ऑप्शन है वो बहुत ही फास्ट चले, और मेरे हिसाब से आप चाहते हैं कि आपकी जो मोबाइल की परफॉर्म करने की कैपेसिटी है और ज्यादा इनहेंस हो जाए। बेशक आपके मोबाइल में जितनी भी रैम है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज मैं आपके मोबाइल की जो एनिमेशन स्पीड है, टच सैंपलिंग स्पीड है, उसको इंक्रीज कर दूंगा। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और वो ऑप्शन कैसे पता चलेगा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपके मोबाइल की जो ऐप ओपनिंग स्पीड है, एनिमेशन स्पीड है या ऐप क्लोजिंग स्पीड है बहुत ही फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हैंगिंग लैगिंग इशू बिल्कुल नहीं आएगा। तो आइएगा मैं वीडियो को शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं वो कौन से ऑप्शन है जिसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करके अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, मेरे पास है रेनो 7, और जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज के बाद आपके मोबाइल में ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोजिंग प्लस जो एनिमेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि आपको अपने मोबाइल के अंदर जो डेवलपर मोड है उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। हो सकता है अभी तक आपने जो डेवलपर मोड है कभी देखा ही ना हो और कभी एक्टिवेट ना किया हो, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले आपने सेटिंग आइकन पर टैप करेंगे। सेटिंग आइकन पर टैप करने के बाद में बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा और यहाँ पर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। अबाउट डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पर जो वर्जन लिखा आ रहा है, वर्जन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कैनल वर्जन लिखाएगा। इस पर आपको 5 से 6 बार टैप करना है, और जैसे ही वो टैप करके आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखेंगे लिखाएगा डेवलपर मोड एक्टिवेट। और डेवलपर मोड एक्टिवेट होने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि डेवलप मोड एक्टिवेट हो गया है, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के जो ऑप्शन है उसमें जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सिस्टम सेटिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो आपको सेटिंग्स से दिखाई देगी। साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप डेवलपर ऑप्शंस में आ गए। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आप यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, दिस वन, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसमिशन एनिमेशन स्केल, ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल और एमिटर ड्यूरेशन स्केल। तो इनको आपको यदि 1x लिखा आ रहा है तो इस पे टैप करके आपको 0.5x करना है, सेम 0.5x करना है, और इसको भी 0.5x करना है, और उसके बाद में इसको आप बैक कर दीजिएगा। ज़्यादा ऑप्शन आप छेड़ाखानी ना करें ज़्यादा, या ज़्यादा ऑप्शन यदि आप वहाँ से ढूंढने की या एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो मोबाइल में दिक्कत आ सकती है, उसके बाद आपको हो सकता है सर्विस सेंटर जाना पड़े। तो यहाँ से आपको ये 3 ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद में आपकी मोबाइल की जो एनिमेशन स्पीड है वाओ फील आप करने वाले हैं। रियली इट विल फील यू मैसिव एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको लगेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ओपन होने का टाइम और जो लॉक होने का टाइम है बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो डेवलपर मोड ऑप्शन में जाने के बाद में इन 3 ऑप्शन की जो स्पीड है वो 0.5x कर दीजिएगा, आपकी मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये डेवलपर मोड के अंदर जाने के बाद में आपने जो ऑप्शन चूज किया 0.5, यानी कि 0.5x चूज किया आपने, तो इसके बाद आपके मोबाइल की जो स्पीड है वाकई में इनहेंस हो जाएगी। एक बार आप जरूर एक्सपीरियंस करके देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर फील होगा कि हाँ वाओ, अब जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छी है। तो ऐसी बहुत सारी ऑपरेशनल वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो प्लीज यदि आप वाकई में मोबाइल की डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।